हम लोग देखे एक दूसरे से गले मिलके गुलाल लगा के होली का त्यौहार मना रहे हैं और सभी को ये कहना भी चाहता हूँ कि होली का त्यौहार बहुत ही प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के बनाएं, आपसी भाईचारे को बना के रखें, जो भी मनों में नफरत है एक दूसरे के प्रति झगड़ा है उसको दूर करते हुए प्रेम के साथ गुलाल लगा के अपने सारे गृह शिक्षकों को पूछें। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जी ने संदेश दिया है कि भाईचारे के साथ होली का कार्यक्रम मनाएं, होली मनाएं और खुशी और आज कार्यक्रम हमारे कांग्रेस के साथ हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें काशीपुर के सारे हमारे पॉलिटिकल और पॉलिटिकल शहर के सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं, हमारे भाई सारे और बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर बड़े प्रेम और भाईचारे के साथ आज हम सब लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं और आज पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से भारतवर्ष के महान जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये नया वर्ष हमारा लिए बहुत मंगलमय हो और पूरे भारतवर्ष में उन्नति हो, सब लोग खुशहाली बने, सब लोग खुश रहे। कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगी कहां का कार्यक्रम है और कैसे। देखिए चूंकि होली का पर्व है और इस होली के पर्व पर एक कौमी एकता का पैगाम जाता है और जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूँ होली के अवसर पर और इस काशीपुर महानगर का अध्यक्ष होने के नाते मैं काशीपुर कांग्रेस की तरफ से पूरे उत्तराखंड के वासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब मोहतरम करण मेहरा जी ने भी पूरे उत्तराखंड में संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में कौमी एकता को आप आगे लाएं और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं, यही हमारा एक पैगाम है इस मिलन के समारोह में। सहानी जी मेरे साथ हम इसे जानेंगे कि आज जो प्रोग्राम है सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर यह होली मिलन का कार्यक्रम सभी समाज को जोड़ने का एक काम करने के लिए होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसी में सब लोग उपस्थित हैं और सभी लोग होली पर्व को मनाने के लिए उत्सुक हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।